हेलो स्टूडेंट्स आई एम नरेश कुमार गोड मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस ओके टुडे वी आर हियर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनएमटीसी सब जूनियर लेवल सेवेंथ एथ क्लास के लिए जो हुआ था उसका जो पेपर हुआ था स्टेज टू का क्लियर है उसके सॉल्यूशन के लिए ओके इन दिस आंसर ऑल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं ईच क्वेश्चन के री टेन मार्क्स हर क्वेश्चन के क्लियर टेन मार्क्स मिलेंगे आपको एलिगेंट और इनेटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस तो उसके आपके यू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स ओके डायग्राम एंड जस्टिफिकेशन शुड बी गिवन व्हेन एवर नेसेसरी यदि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको वहां पर डायग्राम और जस्टिफिकेशन भी बिफोर स्टार्ट आंसरिंग फिल इन द फेस स्लिप जो भी है ओके सो स्टार्ट करते हैं देखिए है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ ट्रे कंटेंस अ ट्रे कंटेंस ऑफ फोर्टी टॉफीज ट्रे है उसमें फोर्टी टॉफीज हैं आपके पास जया एंड उमा टेक इन टर्न सम टॉफीज फ्रॉम द ट्रे जया एंड उमा दो कैंडिडेट हैं जो वहां पर क्या वहां से टॉफी लेते हैं टर्न में मतलब पहले जया देन उमा देन अगेन जया फिर उमा ठीक है ईच टाइम दे आर अलाउड टू टेक वन टू और थ्री टॉफीज ठीक है ये फिक्स्ड है कि एवरी टाइम वो कितनी टॉफी ले सकते हैं या तो वन या टू या फिर थ्री टॉफी वो ले सकते हैं ठीक है ये ट्रॉफी वो ले सकते हैं द पर्सन हु गेट द लास्ट टॉफी अब देखिए इस टाइप से वो प्रोसेस चलता रहता है जो लास्ट टॉफी टॉफी को पिक करता है ही ही विंस विंस और सी वो जीत जाता है ठीक है जय स्टार्ट द गेम जया स्टार्ट करती है गेम को ओके गे? विल सी विन क्या वो जीतेगी इफ शो हाउ इफ शो हैव टू टेल देन विंस इफ नॉट देन वाई ओके

किसने किया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि स्टार्ट कौन कर रहा है उस गेम को जया स्टार्ट कर दिए क्लियर है सो so, यहां पर इस टाइप से आप बना सकते हो जया ओके okay? एंड यहां पर उमा तो यहां आप देखिए सपोज अगर बात करें तो जया सपोज वहां पर थ्री ट्रॉफीज पिक करती है ओके okay? तो उमा कितनी ट्रॉफी पिक करेगी सपोज वन पिक की इसने ठीक है तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाना है मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास बने कि लास्ट में जो उमा है सपोज वन टॉफी पिक कर रही है तो वो वन टॉफी पिक करे और वो कंप्लीट हो जाए ठीक है जया जैसे थ्री टॉफी पिक करी तो थ्री टॉफी के बाद वहां पर कोई टॉफी नहीं चाहिए ठीक है सो यहां पर देखिए थ्री वन तो ये जो उमा है उसने कौन से नंबर का टॉफी उठाया है फोर्थ जो टॉफी का नंबर है वो फोर्थ होगा क्लियर है यहां पर आप देखिए अगेन ये फिर थ्री टॉफी उठाएगी तो कितना 4 प्लस 3, 7, और अगेन ये वन टॉफी उठाएगी तो इसका मीन है कितनी एर्थ नंबर का टॉफी उठाएगी इस टाइप से क्लियर है सो देखिए अगेन थ्री और वन तो हर बार देखिए फोर के मल्टीपल में टॉफीज उठा रही है ठीक है फोर के मल्टीपल में, मतलब फोर्थ देन एर्थ इस टाइप से चलते हुए आप बात करोगे ट्वेल्थ सिक्सटीन ट्वेंटी तो इस टाइप से ये चलते हुए कितनी फोर्टी नंबर की जो टॉफी आएगी इस टाइप से अगर आप देखो तो इसमें जो फोर्टी नंबर का जो टॉफी होगा वो कौन पिक करेगा वो उमा पिक करेगी क्लियर है कौन पिक करेगा वो आ, उमा पिक करेगी ठीक है तो उमा पिक करेगी इसका मतलब है कि कौन जीतेगा यहां पर उमा जीतेगी ठीक है तो योर आंसर फोर्टीथ टॉफी जो है फोर्टी टॉफी उसको कौन पिक करेगी उसको उमा पिक करेगी यहां पर ठीक है उमा पिक करेगी तो यहां पर आपका आंसर होगा उमा विंस उमा इसमें जीतेगी ओके आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके सो टेक द नेक्स्ट वन देखिए, है आपके पास there are square papers of area. यहां पर आपके पास टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस टाइप से चलता जा रहा है दैट इज स्क्वायर मिलीमीटर ओके स्क्वायर पेपर्स है और उनका जो एरिया है वो पहला जो पेपर है उसका वन स्क्वायर मीटर मिलीमीटर है सेकंड का टू स्क्वायर मिलीमीटर आसिफ स्टार्टेड कलरिंग देम। आसिफ ने उनको कलर करना स्टार्ट किया और कलर किससे कर रहा है वो रेड एंड ग्रीन पेंट से रेड एंड ग्रीन पेंट से वो उनको कलर अप कर रहा है ही पेंटेड इन रेड द पेपर्स वो रेड कलर में पेंट करेगा पेपर्स हुज एरिया कैन बी रिटर्न इज द सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर ठीक है ध्यान वो किनको रेड कलर में वो को पेंट टू कंपोजिट नंबर में आप ब्रेक कर सको तो फिफ्टीन को आप किसमें ब्रेक कर सकते हो नाइन प्लस सिक्स देखिए और नाइन भी यहां पर कंपोजिट नंबर है सिक्स भी यहां पर क्या है कंपोजिट नंबर है तो फिफ्टीन स्क्वायर मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है उसको किससे करेगा वो रेड कलर से पेंट करेगा तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनको आप टू कंपोजिट नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो दे विल बी पेंटेड विद द रेड कलर ओके एंड द रेस्ट इन द ग्रीन और जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मतलब ये हो सकता है कि दोनों में से एक प्राइम नंबर आपके पास आ जाए या हो सकता है दोनों ही आपके पास प्राइम नंबर आए या हो सकता है कोई ऐसा नंबर भी आ सकता है जिसको आप ब्रेक ही ना कर पाए जैसे वन है तो वन को आप न तो प्राइम में ब्रेक कर सकते हो और न ही कंपोजिट में ठीक है तो ऐसे जितने भी नंबर रिमेन रहेंगे दैट विल बी पेंटेड विद्रीन कलर ओके नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेपर आर पेंटेड ग्रीन कितने पेपर हैं जो ग्रीन पेंटेड होंगे एंड वोट आर देयर एरियाज़ उनका एरिया तो दो क्वेश्चन हो गए यहां पर आपको यह भी बताना है कि कितने पेपर पेंट होंगे ग्रीन से और वोट आर एरियाज़ ओके सो यहां पर बात करें देखिए अगर बात करें तो यहां आप बोल सकते हो नंबर ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन इलेवन आप देखिए इलेवन से जितने भी बड़े नंबर से इलेवन के छोटा एक टेन भी है ठीक है इलेवन से बड़े जितने भी नंबर हैं आपके पास उन सबको आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो टू कंपोजिट नंबर्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है नंबर ग्रेटर देन इलेवन केन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू कंपोजिट ओके? देख लीजिए ट्वेल्थ ट्वेल्व को आप ब्रेक कर सकते हो एट एंड इलेवन से छोटा एक नंबर और है जैसे अपर बात करें टेन तो टेन को मैं सिक्स एंड फोर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं देखिए सिक्स एंड फोर बोथ आर द कंपोजिट नंबर सो टेन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे यहां पर ओके okay? ग्रीन के लिए ठीक है तो अगर यहां पर बात करें बेटा अगर यहां पर बात करें देखिए बेटा अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपके पास बन के आते हैं ग्रीन के लिए वो कौन कौन से पेपर्स पर आप प्रिंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं होगा ध्यान देना टेन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टू कंपोजिट नंबर्स सो टेन विल बी नॉट इंक्लूडेड सो इलेवन ये जो एरिया है स्कवायर पेपर दिल बी पेंटेड विद्रीन कलर ओके सो यू कैन काउंट दर द टेन पेपर ओके सो एक क्वेश्चन था आपके पास नंबर ऑफ पेपर नंबर ऑफ पेपर्स ग्रीन पेंटेड जिस पर आप कौन सा पेंट करते हो ग्रीन पेंटेड कितने हो गए आपके पास टेन हो गए क्लियर है नेक्स्ट और इनका एरिया का सम भी निकालना है आपको तो सम ऑफ एरिया ऑफ पेपर्स ग्रीन पेंटेड ओके सो आप इनका सम कर लीजिए देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री कहां तक जाएगा अप टू नाइन प्लस 11 ओके okay? तो अगर आप देखते हो 1 से 9 तक तो क्या है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इनका सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है आपके पास 1 प्लस 2 अगर आप एन तक मूव करते हो तो इसका जो सम है दैट विल बी अगर इनका जो सम है वो अगर आप देखते हो तो ये आता है आपके पास n n 1 2 ओके okay? तो इसका सम करोगे अगर आप तो नाइन इंटू नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन डिवाइड बाई टू और प्लस आ जाएगा आपके पास इलेवन टू से ये फाइव टाइम तो नाइन इंटू फाइव दैट विल बी फोर्टी फाइव प्लस इलेवन कितना आ जाएगा आपके पास फिफ्टी सिक्स मिलीमीटर स्क्वायर ओके okay. तो यहां पर दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फर्स्ट वन वॉज दैट हाउ मेनी पेपर्स विल बी पेंटेड ग्रीन कलर सो योर आंसर विल बी टेन एंड वॉट विल बी द सम ऑफ द एरिया सो दैट विल बी 56 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर दैट इज द आंसर आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड नेचुरल नंबर यू हैव टू फाइंड थ्री नेचुरल नंबर A, B, and C, A, B, C that are the natural numbers, okay. Natural numbers which start from the 1 means all counting numbers, okay. Such that their sum, sum that is 6, okay. Next, sum of their square, in case square ka sum that is 14, and the sum of the product of A and C and B and C that is equal to square of वन मोर देन प्रोडक्ट ऑफ एबी ओके सो जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास एबीसी नंबर है आपके पास ए बी सी ओके देट आर नेचुरल नंबर्स एबीसी देट आर नेचुरल नंबर्स ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से देट A plus B plus C that is six. This is equation number 1, second one that is the sum of their squares. Okay, so you can write like this: A square plus B square plus C square that is 14. That is equation number two. And if we talk about the third equation, that is the sum of product of N to C, A into AC. So it will be AC plus uh, that will be BC. Okay. And that is equal to the sum square of the 1 more than the product of a b. So, that is equal to a b plus 1 whole square. Okay. separate So, that will be c and that will be a plus b. That is a b plus 1 whole square and that is equation number third. Okay. So, this was the uh, given information in this equation. Okay. You have to use all the uh, given uh, information and you have to find the value of a, b, and c. Okay, so let's start. This one is given a plus b plus c equal to six. So by squaring equation number one, so we can get a plus b plus c whole square that will be six square. Okay, a plus b plus c whole square. We can use the identity here. So that is a square, a square plus b square plus c square plus 2ab so i can uh, common ab plus bc plus ca okay is equal to 36 okay this one is given i hope this one is clear to all of you ab plus bc plus ca that is equal to 36 okay now you can put the value of a square plus b square plus c square value of a square plus b square that is 14 plus twice of ab plus bc plus ca okay and that is equal to 36 we can subtract 14 from the 36 so 36 minus 14 that will be 22 and again divide by 2 so that will be 11 11 will be the value of ab plus bc plus ca okay now i can subtract ए बी ओके सो इट विल बी इलेवन माइनस ए बी ओके एंड बी सी प्लस सो आई कैन कॉमन दैट इज सी दैट इज बी प्लस एके सी बी प्लस ए दैट इज इक्वेशन नंबर फोर सो यहां से इक्वेशन नंबर फोर अपटेन होती है देखिए आप फर्दर यू कैन दी दैट इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर सी ए प्लस बी

x plus वन होल स्क्वायर ओके एंड दैट इज इक्वल टू 11 minus x. x plus वन होल स्क्वायर इसे आप सोल करिए सो so, ये होगा x स्क्वायर plus टू एक्स प्लस इसे आप ट्रांसफर करोगे सो इट विल बी minus इलेवन plus x, ओके okay. ये आपके पास बन गया देखिए फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाती है x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो ओके नेक्स्ट फर्दर देखिए इसको आप फैक्टराइज करोगे सो टेन के फैक्टर्स फाइव और टू प्लस फाइव और माइनस टू बन जाएंगे ओके सो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो है सो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो ओके सो देखिए यहां से x, सो इट विल बी x प्लस फाइव माइनस टू सो ये हो जाएगा आपके पास बेटा x प्लस फाइव सो x प्लस फाइव एंड x माइनस टू ये हो गया आपके पास जीरो क्लियर है सो so, एक्स की दो वैल्यू मिलेगी यहां पर माइनस फाइव और एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा प्लस टू ओके okay? सो so, आप देखिए माइनस फाइव जो है ये तो नॉट पॉसिबल होगा बिकॉज आपसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए ए बी एंड सी दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स ओके सो नेचुरल नंबर्स दो नेचुरल नंबर्स का प्रोड कभी भी क्या हो नहीं हो सकता आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा आपके पास एक्स का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ गया या मैं बोलू तो ये जो ए बी का वैल्यू है ये कितना आ गया आपके पास टू क्लियर है अब अभी जस्ट आपके पास इक्वेशन थी देखिए ये आपके पास इक्वेशन थी तो इसमें आप पुट कर सकते हो जो इक्वेशन नंबर फोर है इसमें आप वैल्यू पुट करते हो क्या था ये सी बी प्लस ओके तो ये था आपके पास सी बी प्लस ए इक्वेशन नंबर फोर सी बी प्लस ओके तो ये आ गए इलेवन माइनस ए बी मींस टू हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा कितना नाइन ओके सी आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सिक्स तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या होगा सिक्स माइनस सी इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा सिक्स सी माइनस सी स्क्वायर सिक्स सी माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास नाइन ठीक है इसको अगर आप ट्रांसफर करते हो सो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सिक्स नाइन इक्वल टू जीरो अगर आप देखो सो दैट इज़ द माइनस थ्री होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो तो यहां से वैल्यू ऑफ सी जो है बेटा वो आपको मिल जाएगा कितना थ्री मिल जाएगा आपको ठीक है नेक्स्ट वन आप यहां से पुट कर सकते हो नाउ देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपके पास सिक्स माइनस सी सी का वैल्यू थ्री रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास थ्री a प्लस देखिए ए बी का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है टू तो यहाँ से b की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो b का वैल्यू क्या आएगा टू बाई ए सो इसको आप पुट कर सकते हो टू बाई ए फर्दर इसको आप सोल्व करोगे सो so ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू और ये बन जाएगा थ्री ओके देखिए ये बन जाएगा आपके पास अगेन इसे आप से करते हो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू ओके इसको आप सो माइनस टू ए एंड माइनस वन ए माइनस ए आ जाएगा प्लस टू ओके तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास ए माइनस टू ए कॉमन लिया यहां से आपने माइनस वन से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपके पास ए माइनस टू ओके सो ए माइनस वन और ए माइनस टू ओके सो ए की दो वैल्यू आ गई वन और ए की वैल्यू आ गई आपके पास टू ओके okay? अब देखिए ए इंटू बी का जो है वो सम कितना आपके पास टू है तो अगर आप ए का वैल्यू वन लेते हो ओके okay? तो बी कितना मिल जाएगा आपको टू मिल जाएगा और अगर आप ए का वैल्यू टू मिल लेते हो तो बी का वैल्यू वन हो जाएगा और सी आपके पास फिक्स है कितना थ्री तो यहां पर सी दोनों के केसेस में कितना होगा ठीक है तो ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर दो सेट देर विल बी टू सेट ऑफ द सोल्यूशन ओके सो एक्वल टू वन देन बी टू एंड सी थ्री होगा एक्वल टू टू देन बी वन और सी क्या होगा आपके पास थ्री होगा आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूबिक कंटेनर तीन क्यूबिक कंटेनर है आपके पास सी वन सी टू एंड सी थ्री आर इन द रेशो वन इज टू एट इज टू ट्वेंटी सेवन देखिए तीन आपके पास कंटेनर है यहाँ पर कंटेनर बना लिए मैंने ओके okay? ये सी वन है मेरे पास ये सी टू है ये सी थ्री है क्लियर है इनका वॉल्यूम ओके okay? अगर मैं पहले का वॉल्यूम आपके पास क्या है क्यूब के फॉर्म में है तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब दूसरे का बी क्यूब तीसरे का सी क्यूब ठीक है अगर आप देखें इस टाइप से ये ए क्यूब हो जाएगा ये बी क्यूब हो जाएगा इसको आप सी क्यूब ले सकते हो तो ये वन का क्यूब है आपके पास ये टू का क्यूब है और ये आपके पास क्या है थ्री का क्यूब है क्लियर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी इनकी साइड का रेशो आ जाएगा ये जो है रेशो वो इनकी क्या आ जाएगा इनकी साइड्स का रेशो आ जाएगा आपके पास ओके वन एज टू टू एज टू वन एज टू टू एज टू थ्री इनकी साइड का रेशो आ जाएगा ठीक है अगर मैं इसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू ए से मल्टीपल कर दूं तो इसका साइड ए मिल जाएगा इसका साइड टू ए मिल जाएगा और इसका साइड मुझे थ्री ए ठीक है क्यूब है सो ए ए ए इसका लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों का सेम होगा सेकेंड वाले के लिए टू ए टू ए और थ्री वाले के लिए थ्री ए द अमाउंट ऑफ वोटर इन देम आर इन जो इनमें वाटर है वो किस फॉर्म में है आपके पास वन इसी के फॉर्म में ठीक है अगर मैं इसे x से मल्टीपल करता हूं तो देखिए फर्स्ट वाले में कितना लीटर वो वाटर uh, होगा x लीटर सेकेंड वाले में कितना होगा टू एक्स लीटर थर्ड वाले में कितना होगा आपके पास थ्री एक्स लीटर ये आपके पास वोटर है ठीक है अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर वोट इज पोअर्ड फ्रॉम C1 वन टू सी आप क्या कर रहे हो इससे तो इसमें ट्रांसफर कर रहे हो एंड C2 से C3 में मतलब ऐसा नहीं बोला है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम आपने इसमें ट्रांसफर किया है कुछ वोटर आपने ट्रांसफर किया है और फिर क्या है देन द वॉटर लेवल इन ऑल द कंटेनर्स आर सेम इन सब में जो वॉटर का लेवल है वो सेम हो जाता है मतलब अगर सपोज इसमें हाइट एच आएगा तो इसमें भी हाइट एच आएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा हाइट एच अब देखिए मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं निकाल रहा हूं मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करूंगा या आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉटर फाइंड आउट करूंगा तो बेस तो इसका लेंथ भी तो सेम रहेगा हाइट चेंज हो जाएगा एच क्लियर है सो so, देखिए यहां पर देखिए बेटा यहां पर क्या हो रहा है C1 से मैंने C2 में ट्रांसफर किया है और C2 से मैंने C3 में ट्रांसफर किया है क्लियर है यह बोला हुआ है आपके पास अब देखिए इनका हाइट क्या रहेगा सेम रहेगा हाइट जो है या वोटर का जो लेवल है वो क्या रहेगा सेम रहेगा हाइट सेम तो मैंने इनकी हाइट अज्यूम कर ली लेट हाइट मैंने इनकी हाइट कितनी ले ली एच ले ली ओके सो देखिए इनका तीनों का वॉल्यूम अगर मान लीजिए तो, 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 तो कितना वॉल्यूम आएगा आपके पास सिक्स एक्स ही आएगा वॉल्यूम देखिए मैं वॉल्यूम ऑफ q फाइंड नहीं कर रहा हूं यहां में वॉल्यूम ऑफ वॉटर निकालूंगा तो बेस तो वही रहेगा बेटा उसका ठीक है ना चेंज क्या होगा सिर्फ उसका हाइट तो एल इंटू बी तो ए इंटू ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच ये हो जाएगा आपके पास टू ए स्क्वायर एच ठीक है आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला भी एरिया ऑफ बेस इन हाइट ओके सो यहां पर आप देखिए थ्री ए स्क्वायर और ये एच दैट विल बी सिक्स एक्स ओके सो देखिए ए स्क्वायर एच ये होगा आपके पास ए स्क्वायर एच दैट विल बी फोर ए स्क्वायर एच एंड दैट विल बी नाइन ए स्क्वायर एच सॉरी, देखिये इन सबको आप सम करोगे नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस फोरटीन दैट विल बी फोरटीन ए स्क्वायर एच दैट विल बी सिक्स एक्स अगर यहां से आप इसका हाइट फाइंड आउट करते हो तो so ये हो जाएगा सिक्स बाई फोरटीन ए स्क्वायर इंटू एक्स ओके या फिर आप ये लिख सकते हो सिक्स एक्स इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो सो ये हो जाएगा थ्री एक्स बाई सेवन ए स्क्वायर ओके सो अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं पहले का जो वॉल्यूम है वी वन वो कितना आपके पास ए स्क्वायर एच तो ए स्क्वायर एच एच की वैल्यू पुट कर दीजिए एच आपके पास होगा बेटा थ्री एक्स बाय सेवन ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट सो ये हो जाएगा थ्री बाई सेवन एक्स ओके नेक्स्ट सेकेंड वाले का वॉल्यूम निकालते हैं वी टू तो इसका एरिया हो जाएगा टू ए स्क्वायर मीनस फोर ए स्क्वायर ओके और एच होगा आपके पास कितना थ्री एक्स बाई कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई सेवन एक्स ऐसे अगर आप थर्ड वाले का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो सो नाइन ए स्क्वायर इंटू थ्री एक्स बाय सेवन ए स्क्वायर ओके सो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई सेवन x तो इनका पर्टिकुलरली सेपरेटली क्या चुका Volume आ चुका है वॉल्यूम आ चुका है ठीक है अब पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है आपसे आगे क्या बोला है नाउ 180 uh, 128 4/7 ओके okay? अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो uh, तो ये आ जाएगा आपके पास 900/7 ओके okay? इतना लीटर ऑफ वाटर को आपने कहां से c3 से c2 में ट्रांसफर किया है ओके आफ्टर व्हिच अ सर्टेन अमाउंट इज पॉउड उसके बाद क्या है? क्या है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपने सी टू से किसमें ट्रांसफर कर दिया सी वन में सो द डेप्थ ऑफ वॉटर इन सी वन बिकम्स ट्वाइस द डेट इन सी टू ओके चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसके अकॉर्डिंग सी वन सी टू एंड सी थ्री यहां से यहां तक 128 ट्वेंटी एट फोर बाई सेवन मतलब नाइन हंड्रेड अपॉन सेवन नाइन हंड्रेड सेवन लीटर जो वाटर है वो आपने इसमें ट्रांसफर किया और यहां से आपने कुछ सपोज मैंने ले लिया कि अमाउंट आपने क्या किया है ट्रांसफर किया है ठीक है तो अगर यहां पर बात करें जो c3 है आ, या फिर बात करें c1 के लिए ठीक है c1 के लिए बात करें बेटा तो c1 में वॉल्यूम कितना आएगा c1 में ऑलरेडी वॉल्यूम कितना था थ्री बाई सेवन एक्स थ्री बाई सेवन एक्स प्लस Uh, कितना वॉल्यूम ट्रांसफर किया है आपने वाई ट्रांसफर किया है ओके okay? अगर अब मैं इसकी हाइट निकालता हूं ओके okay? अगर इसकी हाइट निकालता हूं तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दी किससे इसके एरिया से ओके सो थ्री बाई सेवन एक्स प्लस वाई और इसका एरिया ऑफ बेस कितना है ए स्क्वायर ओके सेम इसी टाइप से अगर मैं बात करूं केस ऑफ सी टू C2 में वॉल्यूम कितना है सो so, C2 में देखिए वॉल्यूम कितना था पहले ऑलरेडी 12 बाई सेवन एक्स वॉल्यूम है आपके पास ये वॉल्यूम कितना था आपके पास 12 बाई सेवन एक्स था ओके okay? कितना इसमें आया है तो इसमें आया है 900 हंड्रेड बाई सेवन ओके और कितना इसमें से सबेक्टू हुआ है तो वाई ये इसमें से टोटल वॉल्यूम uh, इसका रहेगा अगेन इसका भी आपको हाइट निकालना है अगेन सी टू का मुझे हाइट निकालना है तो इसका जो हाइट है वो आपके पास हो जाएगा कितना 12 बाई सेवन एक्स प्लस नाइन हंड्रेड बाई सेवन और माइनस हुआ था इसमें से कितना y डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओके थर्ड वाले के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो थर्ड अगर सी थ्री की बात करें तो C3 का जो वॉल्यूम है वो कितना था आपके पास थ्री का जो सी थ्री का जो वॉल्यूम है वो आपके पास कितना था ट्वेंटी सेवन बाई सेवन और इसमें से कितना ट्रांसफर हुआ है नाइन हंड्रेड बाई सेवन ओके सो ये जो है आपके पास ट्वेंटी सेवन बाई सेवन एक्स माइनस नाइन हंड्रेड बाई सेवन ओके okay? और इसका हाइट कितना हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी सेवन बाई सेवन एक्स माइनस नाइन हंड्रेड बाई सेवन और डिवाइड बाय ये हो जाएगा इसका एरिया कितना है इसका एरिया नाइन ए स्क्वायर एक मिनट देखते हैं इसकी हाइट निकाल दी आपने सॉरी इसकी हाइट जो है इसका टू ए है ना साइड तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर अब देखिए आपसे कुछ और बोला है यहां से यहां पर आपसे कुछ और बोला है क्या बोला है देखिए कि 128 ट्वेंटी एट बाई सेवन आप निकालते हो तो देखिए क्या होगा सो देट डेप्थ ऑफ इन वन जो वन का जो हाइट है या डेप्थ जो है वो ट्वाइस होगा सी टू से ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन का हाइट अब देखिए वन का हाइट अभी आपने फाइंड आउट किया था ये रहा आपके पास सीवन का हाइट ये C1 का हाइट कितना थ्री बाई सेवन एक्स प्लस वाई ओके सो थ्री बाई सेवन एक्स थ्री बाई सेवन एक्स प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर ये ट्वाइस होगा किसका हाइट इसकी हाइट का क्लियर है सो so ये हो जाएगा आपके पास ट्वेल्व बाई सेवन एक्स प्लस नाइन हंड्रेड बाई सेवन और माइनस हो जाएगा यहाँ से आपके पास वाई डिवाइड बाई कितना आपके पास फोर ए स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे देखिए ए स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो गया टू से ये कैंसिल आउट हो गया क्लियर है टू से कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे तो देखिए टू से सोल्व करने से पहले इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास सेवन और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस सेवन वाई ओके अगेन फर्दर इसका अगर भी अगर आप एलसीएम लेते हो सो so, देखिए ये हो जाएगा आपके पास सेवन दैट विल बी ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन हंड्रेड माइनस सेवन वाई ओके और ये हो जाएगा आपके पास अपॉन टू सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया टू से आप इसे सोल्व करोगे सो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स एक्स प्लस फोरटीन वाई सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन वाई इक्वल टू ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन हंड्रेड माइनस सेवन वाई ये आपके पास रहेगा ठीक है इसे आप ट्रांसफर करते हो अगर उधर तो ये आ जाएगा आपके पास सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी वन वाई और माइनस नाइन हंड्रेड इक्वल टू जीरो ठीक है अगर मैं इसे फर्दर थ्री कॉमन लेता हूं तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू एक्स माइनस सेवन वाई और माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है एक्स एंड वाई के फॉर्म में जो क्या है आपके पास टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस थ्री हंड्रेड आपके पास ये वैल्यू ये वैल्यू प्लस आएगी आपके पास है ना तो एक इक्वेशन तो ये फॉर्म हो गई अब देखिए कुछ और यहां पर क्वेश्चन में गिवन है क्या गिवन है दिस रिजल्ट इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन सीवन कि जो सीवन में आपके पास वॉल्यूम है 100 लीटर लेस हो जाता है ओरिजिनल अमाउंट का तो अगर बात करें स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में इसमें कितना लीटर था इसमें एक्स लीटर था ठीक है तो अब कितना रह गया हंड्रेड कम हो गया ठीक है तो अभी कितना है वहां पर अगर बात करें तो अभी उसका वॉल्यूम कितना है ये है ठीक है तो ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें अगर अपन तो थ्री बाई सेवन एक्स प्लस वाई जो है वो पहले जितना वॉल्यूम था उससे हंड्रेड कम रह जाता है तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी अगेन कि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना कम हो गया है तो अगेन इसको आप सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस सेवन वाई और ये हो जाएगा सेवन एक्स माइनस सेवन हंड्रेड ठीक है इसको आप सोल्व करते हो सेवन माइनस थ्री इट विल बी फोर एक्स ओके और अगेन इसको आपने ट्रांसफर किया सो इट विल बी माइनस सेवन वाई और ये हो गया आपके पास माइनस सेवन हंड्रेड इक्वेशन नंबर टू इक्वल टू जीरो ठीक है ये सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हो इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को सोल्व किया तो टू माइनस फोर ये हो जाएगा आपके पास माइनस टू एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेवन एंड थ्री ओके सो ये हो जाएगा आपके पास हंड्रेड माइन प्लस हंड्रेड सॉरी वन थाउजेंड इक्वल टू ठीक है तो इसको आप सोल्व करोगे एक्स कितना मिलेगा फाइव हंड्रेड ठीक है अब देखिए आपसे रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपके पास है बेटा क्या बोला है हाउ मच वाटर डिड ईच कंटेनर हर कंटेनर में तो x का वैल्यू आ गया तो यहां पर आप रखोगे x कितना हो जाएगा इसमें 500 लीटर ठीक है ये हो जाएगा 2 into 100 500 तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 लीटर और ये हो जाएगा आपके पास 1500 लीटर इतना वॉल्यूम हो जाएगा ओके आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट लेते हैं इन द एड ज्वाइनिंग फिगर एक डायग्राम आपको गिवन है ए बी सी डी ई एफ और डी ई जी एच आई ओके ध्यान दीजिए एक तो इस ट्राइंगल इसके लिए बात कर रहा है और इसके लिए बात कर रहा है आर रेस्पेक्टिवली आर रेगुलर हेक्सागन एक रेगुलर हेक्सागन है ये और ये रेगुलर पेंटागन है पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एफ एंड एच जी पी जो है पी पॉइंट कहाँ है ए एफ और एच जी का इंटरसेक्शन है वहां पर पी फॉर्म हो रहा है नेक्स्ट ऑफ ध्यान दें F, P, और G, इस ट्रायंगल के लिए मतलब यहां से एक आ, यहां से एक वैल्यू आपको बनानी है यहां से ये बनाना आपको इस टाइप से ओके बाई ऑफ पी जी कट्स ए बी ये ए बी को कट करता है कहां पर प्रोड्यूस एट आर अगर इसे आप आगे बढ़ाते हो तो इसे कहां पर आर पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है तो आपको प्रूव करना है कि एंगल क्यू इस एंगल में और इस एंगल में आपको रिलेशन बताना है बेटा ठीक है तो देखिए ए e, अगर आप बात करें ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ की बात करें तो ये आपके पास क्या एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन इसका ईच एंगल अगर मुझे निकालना है इसका ईच एंगल मुझे निकालना है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला एन माइनस टू इंटू वन हंड्रेड एट्टी डिवाइड बाई सिक्स सिक्स साइड है बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स माइनस टू आप कर दोगे तो फोर इंटू वन एट जीरो या आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो इसको थर्टी तो थर्टी इंटू फोर ये आपके पास कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री क्लियर है इसका जो ईच एंगल है वो आपके पास कितना आ गया वन ट्वेंटी ये भी आपके पास वन ट्वेंटी होगा ये भी ये सारे एंगल्स सा आपके पास कितना हो जाएंगे वन ट्वेंटी हो जाएंगे क्लियर है अगेन अगर मैं बात करूँ इसके लिए ई जी डी ई जी एच आई के लिए अगर बात करें डी ई जी एच आई के लिए अगर बात करें तो इसका ईच एंगल जो है वो क्या होगा एन माइनस टू मीन्स थ्री इंटू वन एट्टी और कितनी फाइव साइड से तो फाइव से मल्टीपल कर दोगे थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन हंड्रेड एंड एट डिग्री तो ये एंगल ये सब एंगल जो है ये कितने हो जाएंगे आपके पास वन जीरो एट देखिए ये वाले जो एंगल हैं वो 108 हो जाएंगे ये सारे एंगल्स सा आपके पास 108 हो जाएंगे क्लियर है अब आगे बात करें नेक्स्ट बात करें क्या निकालना है आपको आप देखिए ये 120 है आपके पास ओके okay? ये 120 है आपके पास ओके okay? ये आपके पास कितना है तो देखिए ये एंगल आप निकाल सकते हो कितना आएगा 60 आएगा ठीक है इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा आपके पास 180 एंड होगा तो आप इसका इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना आएगा 120 और 108 ओके तो ये आप एंगल निकाल सकते हो कितना थ्री सिक्सटी में से आप माइनस कर सकते हो बेटा किसको वन प्लस 108 को ओके सो so, 360 माइनस ये आपके पास आ जाएगा यहां से आ, 228, ओके okay? सो so 132 डिग्री ये एंगल्स निकल के आ जाएंगे आपके पास कितना निकल के आएगा ये 132, ओके okay? ये 132 एंगल निकल के आ गया आपके पास ओके okay? इसके लिए ये बात करें बेटा तो ये 108 है तो इनका सम तो ये आज आपके पास कितना होगा सेवेंटी टू okay? ओके तो ऐसे ही अगर मैं एंगल P की बात करूं और सेम सिचुएशन देखिए ये जो एंगल है आपके पास सेम सिचुएशन तो यहां पर फॉर्म हो गया आपके पास ये 120 है ये 10 आ, आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये आपके पास कितना है 108 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 72 डिग्री हो जाएगा ठीक है ये सेम एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 132 तो सेम अगर मैं निकालता हूं एंगल पी और एंगल क्यू दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी आपके पास सेम होगी क्लियर है और कितना निकलेगा देखिए 360 में से आप माइनस कर सकते हो किसको 60 प्लस 60 प्लस 132 थ्री टू प्लस सेवनटी टू प्लस सेवनटी टू ओके तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 360 माइनस देखिए 13 प्लस सेवन ये आपके पास हो जाएगा 264 ओके okay? तो इसका जो वैल्यू है वो निकलेगा आपके पास 96 डिग्री इसका मतलब है जो एंगल Q है ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास 96 डिग्री ओके okay? अब देखिए ये एंगल मुझे निकालना है ये इसका बाईस ये नाइनटी है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो कितना आएगा आपके पास 48 अब मुझे एंगल आर निकालना है यहां से ठीक है देखिए एंगल आर में निकालूंगा तो ये क्या है आपके पास ए आर पी ए ट्राइंगल है, है? ट्राइंगल है, का सम ऑफ़ ऑल थ्री एंगल्स 180 so 180 सो में से आप माइनस कर सकते हो किसको 120 ट्वेंटी प्लस फोर्टी ठीक है 120 ट्वेंटी प्लस फोर्टी एट तो इसका जो वैल्यू है वो आपके पास आएगा कितना 12 डिग्री ओके सो देखिए जो एंगल क्यों है वो आपके पास कितना है 96 डिग्री अगर आप 8 टाइम्स ऑफ एंगल r निकालते हो तो 8 12 कितना आ जाएगा 96 सो so, आप बोल सकते हो एंगल q is equal to 8 टाइम्स ऑफ एंगल r आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज pqr इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल देयर इज अ ट्रायंगल दैट इज pqr एंड दैट इज इक्विलेटर ट्रायंगल ओके एस इज एनी पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल एस कोई पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर एस एस बी एस सी आर रेस्पेक्टिवली ठीक है S, B, S, C, तो यहां पर देखिए कुछ इस टाइप से वैल्यूज ले सकते हैं यहां पर एक ट्राइंगल लिया आपने ओके पी क्यू आर दैट इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल सो इसकी साइड्स आप अज्यूम कर सकते हो ए ए क्लियर है एस इज एनी पॉइंट इन साइडल तो आप यहां पर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है तो इस टाइप से यहां पर आप ले सकते हो आपको पता है कि पर्पेंडिक्युलर एक इक्विलेटर इक्विलेटेडल है तो इक्विलेटर एंगल में पर्पेंडिकुलर एंड मीडियन बोथ आर द सेम ओके तो ये एस यहां से आपके पास आ जाएगा और एस विल बी द देंट क्लियर है अब देखिए ये इसका बाइस सेक्टर है नेक्स्ट ने आपको यहां गिवन भी है एस एस बी एस सी आर रेस्पेक्टिव ड्रोन पर्पेंडिकुलर टू पी आर तो एस ए एस ए आपने किस पर ड्रॉ किया है पी आर पर तो ये पी आर है तो ये पॉइंट ए हो गया आपके पास क्यू आर पर आपने क्या बनाया है बी तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा अगेन यहां पर देखिए ये सी है आपके पास पॉइंट नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू और बी इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो सो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस बेस होगा आपके पास बेटा क्यू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होगा सो दैट विल बी पी बी स्क्वायर ओके अगेन देखिए पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है सो पी क्यू ए स्क्वायर होगा आपके पास अगेन क्यू बी ये हो जाएगा आपके पास ए बाई टू होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई फोर प्लस पी बी आपको फाइंड आउट करना है तो ये पी बी हो जाएगा आपके पास ठीक है तो पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर तो जो पी बी है वो आपके पास हो जाएगा बेटा रूट थ्री बाई टू ए Okay. अब देखिए आपको यह भी पता है कि एक, एक इक्वीलाइटेड ट्राइंगल में जितने भी मीडियंस तीन मीडियंस होंगे तीनों हो इक्वल होंगे हो इसका मतलब PB क्यू ए और आर सी इक्वल होगा हो PB क्यू एंड आर सी तीनों हो इक्वल होंगे हो क्लियर है नेक्स्ट वन आप देखिए यह एस क्या है सेंट्रोइड है आपको पता है सेंट्रोइड डिवाइड्स सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन टू इस टू वन किस रेशो में डिवाइड करता है ये टू इस टू वन में डिवाइड करता है तो यहां से अगर आप बात करो पी एस पी एस और आर एस देखो अगर मैं बात करूं पी एस ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर एस और क्यू एस की बात करूं ठीक है तो ये कितना पार्ट होगा इसका टू थर्ड पार्ट हो जाएगा ठीक है और देखिए इसकी नीड है क्या आपको क्यू ए की नीड है ओके आर बी की नीड है आपको और पी सी का नीड है आपको ठीक है तो इसका नीड नहीं है तो इसको आप स्कीप कर सकते हो देखिए नेक्स्ट वन देखिए यहां पर आपको किसकी ऐसे तो एस ए एस बी और एस सी तीनों इक्वल होंगे एस एस बी एस सी तीनों इक्वल होंगे ये क्या होगा आपके पास एस एस बी और एस सी कितना पार्ट होगा वन बाई थ्री ऑफ वन बाई थ्री ऑफ किसका पी बी का ओके okay? और पीबी का वैल्यू आपके पास कितना है रूट थ्री बाई टू ओके सो अगर इसे आप सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास ये जो वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू आपके पास हो जाएगी वन बाई टू रूट थ्री ओके ए ये आपके पास क्या आ जाएगा एस ए एस बी और एस सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वन अपॉन टू रूड थ्री ए ओके नेक्स्ट वन देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी ओके नाउ एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी अपॉन आपके पास लिखा हुआ है वहां पर क्यू ए आर बी पी सी क्यू ए प्लस आर बी प्लस पी सी ये वैल्यू है तो देखिए एस एस बी एस सी की वैल्यू भी आपने जस्ट निकाली है कितना है वन अपॉइंट टू रूड थ्री ओके तो ये आपके पास वन अपॉइंट टू रूड थ्री ए है इसका कितना है तीनों इक्वल है सो इसको थ्राइस ले लिया मैंने क्यू ए डायग्राम में देख सकते हैं अपन क्यू ए आर बी तो क्यू ए कितना होगा क्यू ए आपके पास कितना होगा क्यू ए ये आपके पास रूट थ्री अपॉन टू ए इसकी वैल्यू आपके पास है रूट थ्री अपॉन टू ओके अगेन आर बी के लिए बात करें तो आर बी देखिए आर बी ये कितना होगा ए बाई टू हो जाएगा आपके पास आर बी जो है ये ए बाई टू हो जाएगा और अगर आप पी सी की बात करें तो पी सी आप डायग्राम में देख सकते हो पी सी डायग्राम में देख सकते हो ये भी आपके पास क्या होगा ए बाई टू ओके इसको आप सोल्व कर लीजिए तो देखिए इसको आप सोल्व करोगे रूट थ्री से ये कैंसिल आउट हुआ रूट थ्री टाइम तो रूट थ्री बाई टू ओके यहां अगर आप एलसीएम लेते हो सो टू ये हो जाएगा आपके पास रूट थ्री प्लस वन प्लस वन ये हो जाएगा टू और मल्टीपल एस। ए कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट आपके पास ठीक है ये रूट थ्री जो है ये आपके पास क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया तो इसका वैल्यू आपके पास मिल जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस टू या टू प्लस रूट थ्री ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ओके आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ टेक द नेक्स्ट वन इन द एडजोइनिंग फिगर एक फिगर आप गिवन है फोर सर्कल चार सर्कल बने हुए हैं यहाँ पर इनकी रेडियस जो इनकी रेडियस है बेटा वो कितनी बैठा है आपको सेवन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ये इसको एंगल थीटा वन ले सकते हो ये एंगल थीटा टू है ये एंगल आपके पास थीटा थ्री है और ये एंगल आपके पास थीटा फोर है अब देखिए ये क्वारिलेटल है तो सम ऑफ डिग्री इसका मेन है थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर का जो वैल्यू है वो कितना है 360 डिग्री अब देखिए आपसे क्या बोला है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड सेक्शन तो जो सेक्टर्स हैं अब ये सारे सेक्टर्स हैं एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला दैट इज थीटा बाय 360 इनटू uh, पाई r स्क्वायर ओके सो इसके लिए थीटा 1 हो जाएगा थीटा 2 ठीक है तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ सेडेड सेक्टर्स तो यह हो जाएगा थीटा वन बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर सेकेंड के लिए आपके पास हो जाएगा थीटा टू बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर नेक्स्ट हो जाएगा थीटा थ्री बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर ओके और लास्ट हो जाएगा आपके पास थीटा फोर बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर स्क् वन बाई थ्री सिक्सटी और पाई आर स्क्वायर ये आप कॉमन ले सकते हो तो यहाँ से रिमेन रहेगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर ओके okay? इन सब का सम आपको पता है 360 डिग्री सो दैट विल बी वन अपॉन 360 हंड्रेड सिक्सटी पायर स्क्वायर 360. ये कैंसिल आउट तो पायर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा रेडियस आप पुट कर सकते हो सेवन सो so 22 टू बाई सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन इंटू सेवन तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो फाइनल जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट उसका आंसर होगा आपके पास वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके सो आई होप दैट विल बी दैट ऑल क्वेश्चन आर क्लियर ऑल ऑफ यू ओके स्ट्रेंड्स थैंक यू